सो गाइस, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके पास मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है, या फिर आप उन लोगों में से हैं जो कि गूगल के थ्रू मटेरियल्स को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपके पास वो सीमलेस टेक्सचर्स नहीं आते या सीमलेस मटेरियल्स नहीं देखते जो कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या करें? सो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं कि किस तरह से हम मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो रेविट हो, स्केचअप हो, मैक्स हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो। मैं आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बताने वाला हूं कि किस तरह से हम मटेरियल को डाउनलोड करेंगे और किस तरह से हम मटेरियल को अप्लाई करेंगे एक किसी भी वॉल के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएस केड एक्सपर्ट। मैं हूं आपको दोस्त सजत फसल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जहां से आप मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। इस वीडियो में हम जो मटेरियल्स को यूज़ करने वाले हैं ये सब के सब PBR मटेरियल्स होने वाले हैं। अभी PBR क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। PBR का मतलब होता है फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग, यानी कि वो मटेरियल्स होते हैं जो कि फिजिकली काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आते हैं अगर आप उनको किसी भी प्लगइन के थ्रू रेंडर करते हैं। सपोज आप 3ds Max यूज़ कर रहे हैं और उसमें आपने कुछ मटेरियल सप्लाई किए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आपको एक रियलिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। सपोज़ यहाँ पे आप स्केचअप यूज़ कर रहे हैं या रेविट यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास प्लगइन है तो यहाँ पे आप मटेरियल्स के अंदर जब आप उसका इफेक्ट देखेंगे रेंडरिंग के अकॉर्डिंग, तो आपको लगेगा कि वहाँ पे बम्प सा कुछ नज़र आ रहा है। सपोज़ कोई फ्लोर का टेक्सचर है, कोई भी टेक्सचर है उस तरीके का, तो वहाँ पे वो काफ़ी रियलिस्टिक नज़र आएगा अगर आप उसे रेंडर करके देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो हमारा सबसे पांचवें नंबर पे जो हमारी वेबसाइट आती है वो है 3D Textures। 3D Textures का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप मटेरियल्स को ना सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं वो भी फ्री में, बल्कि आप इसे किसी भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मटेरियल्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, जैसे क्लोथिंग के लिए है, वुड पैनल के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज़ यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आएँ साइड पे, तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज दी हुई हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है, एलियन है, एस्फॉल्ट है, ब्रेक, सीलिंग, कॉन्क्रीट, डिफॉल्ट, डर्ट वगैरह, इन सब के। जैसे मुझे फ्लोरिंग के लिए चाहिए सपोज़, तो मैं यहाँ पे फ्लोरिंग के लिए क्लिक करता हूँ। सो एज़ यू कैन सी दिस आर सम फ्लोरिंग टेक्सचर्स। सो सपोज़ मुझे चाहिए फ्लोरिंग के लिए कोई अच्छा सा, जैसे यहाँ पे टेराजो फ्लोरिंग गिवन है आपको, तो अगर आप चाह रहे हो सपोज़ मुझे टेराजो फ्लोरिंग चाहिए हमारे प्रोजेक्ट में, तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। सो गाइस, अब नीचे आ जाते हैं यहाँ पे इसको डाउनलोड करने के लिए। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको डाउनलोड ऑल मैप्स पे जाना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ड्राइव का ऑप्शन आएगा, इस ड्राइव के थ्रू आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए ये ऑप्शन। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया डाउनलोड पे, तो ये डाउनलोड हो जाएगा इस तरह से। एज यू कैन सी ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। अगर मुझे फोल्डर पर देखना है तो यहाँ पर मैं शो इन फोल्डर पर करूँगा। सो एज यू कैन सी ये मटेरियल हमें यहाँ पर नज़र आ जाता है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ कट, ठीक है। मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पर और यहाँ से मैं एक नई फाइल लूँगा, नया फोल्डर लूँगा यहाँ पर, और मैं इसके अंदर इसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। फॉर द मटेरियल पर्पस के लिए मैं एक अलग से फोल्डर बना रहा हूँ यहाँ पे। सो मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और मैंने पहले से ही रेविट यहाँ पे ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। सो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ्लोर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने ले लिया फ्लोर, यहाँ पर आर्किटेक्चर फ्लोर लिया और यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करूँगा इस तरह से। मैं फ्लोरिंग के लिए अप्लाई करके देखना चाह रहा हूँ यहाँ पर। मैंने यहाँ पे किया फिनिश। फिनिश करने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ 3D व्यू पे। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने रियलिस्टिक किया हुआ है पहले से ही। सो यहाँ से मैं आता हूँ मैनेज टैब पे, यहाँ पे हमारा मेन काम शुरू होगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ मटेरियल्स के ऊपर और यहाँ से मैं जाता हूँ क्रिएट न्यू मटेरियल पे। यहाँ से मैं नई मटेरियल का नाम दे दूँगा। सपोज़ मैंने दिया यहाँ पे मटेरियल का नाम दिया, तो यहाँ पे मैंने मटेरियल का नाम दिया मार्बल, ठीक है, मार्बल टेक्सचर, मतलब मैंने इस तरीके का नाम दिया। यहाँ से मैं आता हूँ अपेरेंस में। अपेरेंस में आएंगे, यहाँ पे मैं इमेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं जाऊँगा डेस्कटॉप के ऊपर और डेस्कटॉप पे मैं आऊँगा न्यू फोल्डर पे। यहाँ से मैंने टेराजो वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, ओपन किया यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं मटेरियल शो हो जाएगा। तो एज यू कैन सी अब यहाँ पे मैं रिफ्लेक्टिविटी दिखानी है साथ में, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और थोड़ा सा मैं इसमें ग्लोसीनेस दे दूंगा ताकि थोड़ा सा यू नो रिफ्लेक्टिव लगे जब हम इसको रेंडर करें, तो काफ़ी रियलिस्टिक लगे, इसके लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा मटेरियल को एडजस्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ से मैंने किया इसको ओके,
ठीक है, ओके किया यहाँ पे। ओके करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, फ्लोर को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा मैं एडिट टाइप में, एडिट टाइप में जाऊँगा मैं एडिट स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पे जो हमारे पास जो फ्लोर है मैं इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करूँगा, ऑलरेडी गिवन है, ओके करो। ओके एंड अप्लाई एंड ओके। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा मटेरियल जो है वो अप्लाई हो गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा सही करते हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा डार्क सा नज़र आ रहा है, तो क्या करें यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाने के लिए मैं आ जाता हूँ मटेरियल के ऊपर फिर से, हम यहाँ आते हैं, ठीक है, और यहाँ से मैं इसका जो है साइज़ बढ़ा दूँगा, ठीक है, थोड़ा आपको थोड़ा और अच्छे से देखिए इसके लिए। तो मैं यहाँ पर मैं करूँगा सैम्पल साइज़ करूँगा 5 फिट का, ठीक है, डन, अप्लाई, ओके। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियरली नज़र आ रहा है एज यू कैन सी, क्योंकि फ्लोर का जो साइज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा इस तरह से नज़र आएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रे ट्रेसिंग करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको तुरंत इफेक्ट नज़र आ जाएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लूइश टोन सा आ रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा और रियलिस्टिक लगे, तो इसके लिए मैं यहाँ से करता हूँ क्लोज, यहाँ पे मैं रियलिस्टिक में रहता हूँ, और हम यहाँ पे जाते हैं एंडस्केप पे। तो एंडस्केप में मैं इसका थोड़ा सा इफेक्ट देखना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ स्टार्ट के ऊपर, और अब एंडस्केप में मैं थोड़ा सा इसका इफेक्ट देखना चाहूँगा। सो एज यू कैन सी ये यहाँ पे आ गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये देखिए एक सीमलेस टेक्स्चर यहाँ पे आपको आता हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल आपको किस तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कोई टाइलिंग इफेक्ट नहीं लग रहा, यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई टाइल सी बन रही है, हाँ थोड़ा सा वैसा कुछ इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी रियलिस्टिक इफेक्ट आ रहा है, और आप इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा 3D टेक्स्चर वेबसाइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। सो गाइस, नेक्स्ट वेबसाइट आती है वो है एम्बियंट सीजी, ये एक और हमारी मटेरियल की वेबसाइट है जहाँ पे आप सीमलेस और डिटेल ऑल पीवीआर मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, फोटो रियलिस्टिक इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपके रेंडरिंग में एक इफेक्ट ने लेके आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ यहाँ पे गिवन है, इनकी वेबसाइट आप ज़रूर चेकआउट करें। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, हम जाते हैं यहाँ पे हमारे एसेट के अंदर, ठीक है, से यहाँ पे आपको जिस तरीके का, सपोज़ यहाँ पे आप फ्लोरिंग चाह रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, सपोज़ मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर फ्लोरिंग के लिए, मैं यहाँ पे फ्लोर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको फ्लोरिंग के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आपको वुडन फ्लोर पैनल मिल जाता है, ठीक है। आप चाहें जैसे मुझे फ्लोरिंग के ना करने के बजाय आप चाह रहे हो कि मैं स्टोन टेक्सचर कुछ चाह रहा हूँ, तो आप स्टोन पे क्लिक कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको स्टोन टेक्सचर मिल जाता है। तो एज यू कैन सी जैसे आपको फ्लोरिंग के अंदर या फिर वॉल के अंदर आप स्टोन टेक्सचर चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे सपोज़ मैं ये चाह रहा हूँ इस तरीके का कुछ इफेक्ट, आपने देखा होगा ज़्यादातर जो हमारे गलियों में भी आपको इस तरीके के टाइल टेक्सचर मिल जाते हैं। सपोज़ आप कोई स्ट्रीट बना रहे हैं उसमें आपको इस तरीके की कोई ज़रूरत पड़ रही है, तो आप ये वाला टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं। सो लेट मी फाइंड एन मटेरियल, सपोज़ यहाँ पे हम इसी को ले लेते हैं, सपोज़ मैं इसी को ले रहा हूँ, यहाँ पे फ्लोरिंग को ही ले रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप 8K तक अपना जो है इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, JPG और PNG दोनों में ही ऑप्शंस गिवन है, फ्री है ये बिल्कुल, और ये आपको सीमलेस लगेगा कहीं पर भी आपको, जब आप इसको अप्लाई करेंगे आपने उसके ऊपर फ्लोर के ऊपर, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई इमेज है। सो लेट्स डाउनलोड इट, तो यहाँ पे मैंने किया इसको 2K में, तो थोड़ा सा ये टाइम ले लेगा, सो यहाँ से करेंगे स्टार्ट, तो एक zip फाइल में डाउनलोड हुआ है यहाँ पे, सो ये डाउनलोड हो गया है। सो एज यू कैन सी ये हमारा मटेरियल डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कट करता हूँ यहाँ पे, और जो हमारा न्यू फोल्डर जो हमने बनाया है उसमें मैं जाके यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और न्यू फोल्डर बनाऊँगा, और यहाँ पे हमने रख दिया टाइल टेक्सचर करके, ठीक है, और मैं इसको इसमें पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करेंगे इसको, और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा पूरा एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे मैं करूँगा एक्सट्रैक्ट हियर, तो थोड़ा सा वेट करेंगे इसके लिए, एंड हियर वी गो। सो एज यू कैन सी आपको इस तरीके से यहाँ पे इमेजेस नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ इमेज के ऊपर, सो एज यू कैन सी ये हमारी पूरी इमेज की जो फोटो है वो आ रही है, काफ़ी इस तरह से आपको दिख रहा है, और काफ़ी रियलिस्टिक लगेगा ये हमें।
अगर मैं इसको थोड़ा सा इसका व्यू बढ़ा दूँ यहाँ पे, थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से दिख जाए। तो एज यू कैन सी दीज आर द मटेरियल। सो ये 2K वाला जो है रफनेस के साथ भी हमें यहाँ पे गिवन है। तो अब किस तरह से इसको यूज़ करेंगे देखिए। तो सपोज़ मान लीजिए आप कोई स्ट्रीट वगैरह बना रहे हैं रैबिट के अंदर, उसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फ्लोरिंग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फ्लोरिंग लेने के बाद सपोज़ आप कोई फुटपाथ बना रहे हैं या कोई स्ट्रीट बना रहे हैं उसके अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं, सपोज़ यहाँ से मैं क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, फिनिश किया इसको। इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 3D के ऊपर, ठीक है। तो एज यू कैन सी, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सपोज़ मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मैनेज के ऊपर और मटेरियल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और यहाँ से मैं जाता हूँ जैसे मैंने दिया पेविंग टेक्सचर, ठीक, क्योंकि इसी का नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अपेरेंस में, क्लिक करूँगा मैं इमेज के ऊपर और टाइल टेक्सचर पे जाऊँगा, और यहाँ पे जो है पेविंग स्टोन जो है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ओपन करेंगे यहाँ से। सो एज यू कैन सी हमारे पास आ गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ इसको, तो जो एडिटिंग है मैंने यहाँ पे कर देता हूँ। सपोज़ मैंने ले लिया जो सैम्पल साइज़ लिया मैंने, सपोज़ मैंने कर दिया यहाँ पे 4 to 5 feet, सपोज़ मैंने यहाँ पे 5 feet कर दिया यहाँ पे। तो सैम्पल साइज़ मैंने यहाँ पे लिया है विड्थ और हाइट की, जो इमेज की जो साइज़ है वो लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया ओके, और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करूँगा थ्रू पेंट। तो पेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ पे पेविंग टेक्सचर है मैं इसको अप्लाई करूँगा। तो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको इस तरीके का एक इफेक्ट यहाँ पे नज़र आ जाता है। एज यू कैन सी इस तरीके से ये टेक्सचर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई हमने इसमें इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं डाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करना चाहूँ, सपोज़ मैनेज पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इमेज को स्केल को इंक्रीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे आया इमेज के ऊपर, यहाँ पे सपोज़ मैंने कर दिया 5 feet के बजाय 10 feet, ओके। तो मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो एज यू कैन सी थोड़ा सा इफेक्ट देखने के लिए कि इफेक्ट किस तरह से नज़र आ रहा है, उस चीज़ के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा साइड में आ जाता है। तो एज यू कैन सी ये इस तरीके का आपको यहाँ पे इफेक्ट नज़र आ रहा है, ये देखिए। रेंडरिंग में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई वैसी चीज़ है, यहाँ पे आपको साफ एक तरीके से टाइलिंग का इफेक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये वेबसाइट आप ज़रूर चेकआउट करें, वेबसाइट का नाम है एम्बियंट CG। और मैं बता दूं कि जो इसका लाइसेंस है, लाइसेंस मैं बता दूं ये क्रिएटिव कॉमन्स है, मतलब इसकी आपको कोई एट्रीब्यूट देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं कभी भी। तो ये थी हमारी एम्बियंट CG वेबसाइट। तो बढ़ते अब नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। सो गाइस, अब हमारी अगली वेबसाइट जो आती है वो है पॉलीगन वेबसाइट। पॉलीगन वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से ना सिर्फ एक मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं बल्कि कुछ मॉडल्स को भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टेक्सचर्स पे आऊँ, तो जैसे कि आप यहाँ पे टेक्सचर्स पे आपके देखें, ये देखिए कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे मटेरियल्स दिए हुए हैं। अगर यहाँ पे आप मटेरियल्स को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने अपना जो है लॉगिन किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे मटेरियल्स को इजीली डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे आप देखें किसी भी मटेरियल को चेक करें, तो यहाँ पे एक चीज़ की यहाँ पे आप देखें तो कुछ मटेरियल्स यहाँ पे आपको पेड मिलेंगे। आप यहाँ पे पेड वेब मटेरियल्स हैं तो आप फ्री मटेरियल्स कहाँ से ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपको फ्री का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ से आप फ्री मटेरियल्स जो हैं वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से फ्री मटेरियल्स आपको गिवन है, जिनके ऊपर बहुत ही अच्छा टेक्सचर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। सपोज़ आप चाह रहे हैं कि ज़मीन के ऊपर आपको इस तरह का कोई टेक्सचर दिखाना है, यहाँ पे जैसे मार्बल के लिए यहाँ पे आप टेक्सचर देख सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे टेक्सचर अवेलेबल हैं। सपोज़ मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये वाला टेक्सचर चाहिए, तो मुझे मैं यहाँ से ये डाउनलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैं ये बता दूँ कि आपको यहाँ पे हर दिन क्रेडिट्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रेडिट का ऑप्शन मिलता है, आप चाहे तो क्रेडिट खरीद सकते हैं, या फिर जो आपको दिन के टोटल आपको मिलेंगे 15 credits, और 15 credits में से जो एक क्रेडिट है वो मटेरियल डाउनलोड होने में जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी हमारा जो फ्री मटेरियल है वो डाउनलोड हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पे आप रेजोल्यूशन भी देख सकते हैं, आपको किस रेजोल्यूशन में चाहिए। सपोज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 1K, 3K, 6K तक है। तो यहाँ पे हमने जो डाउनलोड किया है वो 3K में है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ फोल्डर के ऊपर, और मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ कट, और यहाँ मैंने इसको किया हमारे जो मटेरियल जो है
उसमें मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो टाइल टेक्सचर के लिए मैं यहाँ पे मार्बल के लिए मैं अलग से ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिया न्यू फोल्डर, ठीक है, कंट्रोल प्लस एन किया मैंने यहाँ पे, सो मैं जाता हूँ यहाँ पे न्यू फोल्डर के लिए। तो न्यू फोल्डर के लिए मैं आ जाता हूँ, न्यू फोल्डर पे क्लिक किया और मैंने इसका नाम दे दिया मार्बल, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको ट्रैक करके इसमें रख लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे एक्सट्रैक्ट हियर। सो एज यू कैन सी यहाँ पे इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे रेगुलर गिवन है, ठीक है, 3K। तो यहाँ पे आ जाए, आपको यहाँ पे 3K जो रेजोल्यूशन है उसके आप ऊपर आपको ये मटेरियल्स मिल जाते हैं। तो सपोज़ मुझे इसी के लिए कोई मटेरियल क्रिएट करना है, जैसे फ्लोरिंग के ऊपर ही आप करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज़ मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक अलग से फ्लोर लूँ और उसके ऊपर अप्लाई करूँ, तो वो आप करके देख सकते हैं यहाँ पे। सपोज़ मैं यहाँ पे उसी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ से ले लिया आर्किटेक्चर के अंदर ही, सपोज़ मैं ले लिया यहाँ पे फ्लोर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फ्लोर के लिए इस तरह से लिया, फिनिश किया यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ मैनेज टैब पे, मटेरियल्स पे जाएंगे यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे किया, मैंने इसका नाम रखा, मैंने रखा यहाँ पे मार्बल टेक्सचर, ठीक है, मार्बल टेक्सचर रखेंगे यहाँ पे, बट ये ऑलरेडी है मेरे पास, तो यहाँ पे हम कोई दूसरा नाम रख लेते हैं। तो मैंने इसका नाम रखा मार्बल टू के नाम से मैंने इसको रख दिया है यहाँ पे, एग्जांपल के लिए रखा है, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से रखें। सो मैं जाता हूँ यहाँ पे, हम जाते हैं यहाँ पे न्यू फोल्डर के ऊपर, यहाँ पे मैंने मार्बल के लिए लिया हुआ है, मार्बल में जाएंगे रेगुलर 3K। तो मैंने 3K वाला जो साइज़ है उसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने ओपन किया, यहाँ पे हम करेंगे इमेज पे क्लिक, और इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप साइज़ बता दें। सपोज़ मैंने यहाँ पे साइज़ रखा है टोटल 5 फीट, मतलब जस्ट एन एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 5 फीट रख रहा हूँ, डन यहाँ पे किया मैंने। और यहाँ पे मैं इसको कर लूँगा, यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी इसकी मैं बढ़ाऊँगा, यहाँ पे इसका ग्लॉसीनेस इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिविटी है वो भी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यहाँ पे थोड़ा और रियलिस्टिक रेन करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ओपेक बढ़ाएंगे इसका, एंड देन यहाँ पे मैं करूँगा ओके। ओके करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 3D व्यू पर, और यहाँ से मैं लूँगा पेंट, मैंने एग्जांपल के लिए पेंट यूज़ किया, ज़रूरी नहीं है कि आप पेंट यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने सपोज एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया मार्बल, और यहाँ पे मैंने किया इसके ऊपर अप्लाई। तो एज यू कैन सी इस तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आ जाता है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं रियलिस्टिक में देखना, आपको पता ही है यहाँ पे हमने एंडस्केप ऑलरेडी लिया हुआ है, सो वहाँ चलते हैं, एंड देन एज यू कैन सी दिस इज़ योर टेक्सचर। तो यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टिविटी दिख रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कहीं खड़े हैं फ्लोर पे और आपको इस तरीके का इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू सी योर इफेक्ट इन प्रोजेक्ट। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं से कट है, बिल्कुल सीमलेस लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमने जो बाकी मटेरियल्स भी यूज़ किए हैं उनमें भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि दिन के 15 क्रेडिट्स मिलेंगे, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिन के 15 मटेरियल्स काफ़ी अच्छा डील है यहाँ पे। सो ये है हमारी पॉलीगन वेबसाइट। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। सो गाइस, अब हम आते हैं हमारी नंबर 2 वेबसाइट पे, वो आती है पॉली हेवन वेबसाइट। पॉली हेवन वेबसाइट क्या है कि बेसिकली यहाँ पे आपको HDRI और यहाँ पे आपको अच्छे खासे PBR मटेरियल्स मिल जाते हैं, यानी कि फिजिकल बेस्ड रेंडर मटेरियल्स। यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी रेंडर्स मिल जाएंगे, साथ साथ में जो ये वेबसाइट है ये कम्युनिटी के रेंडर्स भी दिखाती है साथ साथ में। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, हम आ जाते हैं एसेट्स में। अब यहाँ पे मटेरियल्स यहाँ से डाउनलोड करें, तो ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाता है। सपोज़ यहाँ पे आपको चाहिए HDRI में, तो यहाँ पे HDRI में काफ़ी अच्छे मटेरियल्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाह रहे हो कि मेरे को टेक्सचर्स चाहिए, तो आप टेक्सचर्स में आ जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको फ्लोर के लिए, ब्रिक के लिए, सपोज़ हमने फ्लोरिंग के लिए तो करके देख लिया, मैं सपोज़ वॉल के लिए देखना चाह रहा हूँ, तो वॉल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। एज यू कैन सी दे आर सम रियली रियली ग्रेट टेक्सचर्स। सपोज़ आप कोई गेम डेवलपिंग का कुछ काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐसे ऐसे रियलिस्टिक टेक्सचर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि आपने रियल लाइफ में देखे हो, तो आप
आपको इससे काफ़ी रियलिस्टिक फील आएगी। सपोज मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ ऐसा कुछ, यहाँ पे हम चाह रहे हैं, तो अगर मुझे इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 4K में, 4K तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करें डाउनलोड के ऊपर और यहाँ से आपका डाउनलोड यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कैन सी डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेट करेंगे, जैसे ये डाउनलोड होता है फिर उसको हम हमारे वॉल के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, हो गया हमारा यहाँ पे डाउनलोड, तो मैं शो इन फोल्डर कर लेता हूँ। तो एज यू कैन सी ये हमारा डाउनलोड हो गया, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कट। तो आपको बताइए हमें कहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ न्यू फोल्डर पे। मैं बाहर आऊँगा यहाँ से एंड यहाँ पे हम बाहर आ जाते हैं, थोड़ा सा और मैं बाहर आऊँगा और यहाँ पे मैंने किया पेस्ट कंट्रोल वी। यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा, न्यू फोल्डर का नाम रखा मैंने ब्रेक और यहाँ से मैंने इसको पेस्ट किया इसमें। और यहाँ पे मैं आऊँगा डेस्कटॉप पे, यहाँ से मैंने किया इसको एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पे हमें इसका 3D वाला मटेरियल ऑप्शन में मिल जाता है और यहाँ पे हमें ब्रेक का टेक्सचर भी मिल रहा है। तो अगर आप चाह रहे हैं डाउनलोड करना तो किस तरह से करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। तो अब इसको हमें कैसे यूज़ करना है, तो सिंपल ही आपको पता ही है, यहाँ पे आ जाते हैं हम यहाँ पे लेवल 1 पे। तो लेवल 1 पे आने के बाद यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मैं सेव नहीं करना। सो यहाँ से मैं आ जाता हूँ वॉल के ऊपर, मैं यहाँ पे आऊँ वॉल पे आने के बाद यहाँ से मैंने सपोज वॉल क्रिएट किया। ठीक है, मुझे इसी के ऊपर अप्लाई करना है। 3D पे आते हैं तो जो हमने वॉल बनाई हुई है मुझे इसी के ऊपर मटेरियल अप्लाई करना है। तो आपको पता है मैनेज पे जाना है, मटेरियल के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैंने रखा ब्रिक टेक्सचर। ठीक है, ब्रिक टेक्सचर रखा यहाँ पे, मैं आता हूँ अपेरेंस पे, इमेज पे आते हैं एंड यहाँ पे मैं आता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पे हमने न्यू फोल्डर पे ब्रिक के नाम से टेक्सचर्स के अंदर ये हमने लिया हुआ है, ओपन करता हूँ यहाँ से मैं। सो एज यू कैन सी यहाँ यहाँ पे ब्रिक का भी इफेक्ट दिख रहा है डायरेक्ट, तो मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर एंड मैं नीचे आऊँगा। नीचे मैंने इसका सैम्पल साइज़ भी इंक्रीज़ किया थोड़ा सा, यहाँ पे सपोज़ हमने रखा 3 feet सपोज़ एग्ज़ाम्पल के लिए। ठीक है, डन किया मैंने यहाँ से एंड देन ओके। सो यहाँ से मैं जाता हूँ वॉल के ऊपर, इस वॉल को मैं सेलेक्ट करूँगा, एडिट टाइप पे जाएंगे, एडिट टाइप में मैंने इसको किया डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद मैं जाता हूँ एडिट टाइप के ऊपर और यहाँ से मैं करता हूँ बाय कैटेगरी, पिक का टेक्सचर है, इसको ओके करेंगे, ओके ओके एंड देन सी दिस इज़ योर रिजल्ट। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ इफेक्ट नज़र आ रहा है, ये देखिए इस तरीके से आप इफेक्ट देख सकते हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि ये कोई जैसे कहते हैं ना इमेज जैसा कुछ नहीं लग रहा, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि रियलिटी में आपने ब्रिक्स को अप्लाई किया है और उनके अंदर आपको जैसे सीमेंट का कुछ ऐसे इफेक्ट नहीं देखने को मिलते, आप जब भी कभी जाते हैं तो इस तरह का आपको इफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब ऐसा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं ऐसा कुछ ब्रिक का इफेक्ट दिखाना अपने बैकग्राउंड में, सपोज ऐसे कुछ डिमांड है क्लाइंट की, तो आप यहाँ पे इसी में ही देख सकते हैं, हमने कोई रेंडर भी नहीं किया है यहाँ पे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको एंडस्केप में देखा है तो वहाँ पे आपको कहना ही क्या। सो सपोज़ मैंने यहाँ पे एंडस्केप में आपको दिखा देता हूँ, तो ये देखिए, तो एंडस्केप में भी ये बहुत ही एक अच्छा सा इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा हमें रियलिस्टिक लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमने वाकई में ब्रिक्स को रखा है यहाँ पे। सो इट्स अ रियली गुड वेबसाइट, तो आप इसे ज़रूर चेकआउट करें, वेबसाइट का नाम है पॉली हेवन वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में की मैंने, हमने अब तक जितनी भी वेबसाइट्स बताई हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज़रूर चेकआउट करें। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल यानी कि नंबर 1 वेबसाइट की तरफ। सो गाइस अब आते हैं हमारे फाइनल वेबसाइट पे, वो है textures.com। ये हमने नंबर 1 पे किस लिए रखा है मैं आपको ये बता दूं, ये वेबसाइट बड़ी बड़ी कंपनी सजेस्ट करती हैं और ट्रस्ट करती हैं। अगर मैं आपको नीचे आके दिखाऊं
तो इस वेबसाइट का अगर आप यहाँ पे नीचे आएँ तो ये किस किस के द्वारा ट्रस्टेड किया गया है वो आप देख सकते हैं। यूनिटी, वर्नर ब्रदर्स, रोडेक्स एफएक्स, सेगा, पेमेक्सटो, डाइस, टेकलैंड, कैपकॉम, आईओआई इंटरैक्टिव, एक्टिविजन, ट्राइकलर, बायोवेयर, ये सब की सभी VFX कंपनीज़ हैं, CGI कंपनीज़ हैं और मूवी मेकिंग कंपनीज़ हैं, और मैं ये बता दूँ गेमिंग कंपनीज़ भी हैं। तो ये सभी इसको यूज़ करती हैं फॉर देयर प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप चाह रहे हैं इस वेबसाइट को ट्राई करना तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। अगर मैं यहाँ पे ऊपर आऊँ, हमारा जो मेन काम है यानी कि मटेरियल, वो उसका किस तरह से डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं लाइब्रेरी के ऊपर। तो यहाँ पे आपको PBR मटेरियल्स के ऊपर क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे, आपके यहाँ पे PBR मटेरियल्स आ जाएगा। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे आपको ब्रिक के और स्टोन के और काफ़ी अच्छे अच्छे मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। सो एज यू कैन सी दीज आर द रियली रियली ग्रेट मटेरियल्स। यहाँ पे जैसे आपको इस तरह का कोई इफेक्ट दिखाना है रियलिस्टिक में, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। मैं ये बता दूँ कि इस वेबसाइट पे भी आपको लॉगिन ही करना पड़ेगा, जस्ट लाइक पॉलीगन वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है इसके ऊपर। हर दिन आपको यहाँ पे 15 क्रेडिट मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है, किस तरह से करना है ये देखिए, ये आपको 1 credit है, फ्री है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को 2 options दिए हुए हैं, क्या तो आप ये वाला साइज़ चूज़ करें या फिर ये मैक्सिमम में, फिर आपको यहाँ पे पेड करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रीमियम वाला ऑप्शन है, इसके लिए मेरे पास ज़्यादा क्रेडिट्स नहीं है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्री वाला ही ऑप्शन चूज़ करेंगे। मैंने इसको डाउनलोड किया, TIF वाले फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। मैंने किया स्टार्ट डाउनलोड और ये डाउनलोड हो चुका है। तो मैं आ जाता हूँ डाउनलोड के ऊपर। तो एज यू कैन सी हमारा मटेरियल डाउनलोड हुआ। यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ कट, और यहाँ पे हम हमारे जो न्यू फोल्डर हैं उसके ऊपर मैं जाके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मैं जाता हूँ रेविट के ऊपर। सो यहाँ से मैं एक और वॉल लूँगा, और यहाँ से मैंने लिया वॉल, ठीक है, बेसिक वॉल लेंगे यहाँ पे सिंपल, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आ जाता हूँ 3D के ऊपर। तो मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो सिंपल हमारा तरीका क्या है, मैंने इस पे जाके मटेरियल क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ क्रिएट न्यू मटेरियल। तो मैंने इसका नाम दे दिया वॉल क्लैडिंग, ठीक है, वॉल क्लैडिंग इसका नाम रखा मैंने, क्योंकि क्लैडिंग टेक्सचर है इसलिए। तो यहाँ से मैं जाता हूँ अपेरेंस के अंदर, क्लिक करता हूँ मैं इसका यहाँ से, और मैं यहाँ पर आऊँगा टेक्सचर्स के बजाय, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे न्यू फोल्डर पर, ये सेलेक्ट किया ओपन, और यहाँ से इसका मैं साइज़ बढ़ाऊँगा। साइज़ मैंने यहाँ पे मैं नीचे किया, साइज़ बढ़ाया मैंने टोटल 7 feet। 7 feet इसलिए क्योंकि थोड़ा दिखे यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा स्केल का कम पड़ जाता है यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ पे करूँगा क्लिक डन, और यहाँ मैं करूँगा ओके। ओके करने के बाद यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और एडिट टाइप में जाएंगे, और यहाँ से मैं एडिट स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं जाऊँगा मटेरियल के ऊपर, और जो वॉल बड़े क्लैडिंग वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे। ओके करूँगा यहाँ से मैं ओके, एंड देन अप्लाई ओके। और एज यू कैन सी यहाँ पे थोड़ी देर में आपको इस तरीके का यहाँ पे मटेरियल शो हो जाता था, दिस इज़ योर मटेरियल, ग्रेट मटेरियल। यहाँ पे आपको इस तरीके के बम्प्स यहाँ पे आपको हल्के से नज़र आएंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा जो वॉल का टेक्सचर है वो कुछ इसी तरीके का है। अगर आपको और अच्छे से देखना है आप यहाँ आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे दिया हुआ है, ये देखो ये पीछे ये रहा आपका वॉल। सो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरीके से आपको मिल जाता है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा टेक्सचर है। सो अगर आपको कुछ इस तरह का कोई मटेरियल दिखाना है, सपोज़ कुछ ब्रिक्स वगैरह के टेक्सचर्स दिखाना है आपको वॉल पे, तो ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वेबसाइट को ज़रूर से चेकआउट करें, ठीक है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। तरीका वही है, लॉगिन करना है और यहाँ पे आपको दिन के 15 credits मिलेंगे, डाउनलोड करें और यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फाइनल वेबसाइट यानी कि textures.com। सो गाइस, यही थी आज की हमारी पूरी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम अपने मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हैं इन वेबसाइट्स की हेल्प से, और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इनको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। हम ऐसे यूनिक कंटेंट के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। और साथ साथ में अगर आप हमारे कोर्सेज चेकआउट करना चाहते हैं तो कोर्सेज का जो लिंक है या फिर जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको ज़रूर चेकआउट करें। टिल देन दिस इज़ अदर फसल हियर,
सेइंग गुड बाय एंड टेक केयर फॉर पीटीएस कैट एक्सपर्ट. बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट.